बीजेपी के अनूप गुप्ता बने चंडीगढ़ के मेयर। बीजेपी के 14 और आपके 14 पार्षद रहे। हालांकि बीजेपी के खाते में एक और सीट गई और सांसद किरण खेर ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया और मेयर चुनाव में वोट डाले। कुल 29 वोट पड़े हैं जिसमें से बीजेपी को जीत मिली है 14 सीटों के साथ। बीजेपी के 14 और आपके 14 पार्षद रहे, लेकिन एक वोट यानी कि किरण खेर का वोट जो काफी निर्णायक साबित रहा, काफी रोमांचक ये मुकाबला रहा जो सस्पेंस लगातार मेयर के चुनाव को लेकर बरकरार था कि आखिर कौन बनेगा चंडीगढ़ का मेयर। उस पर से तस्वीर साफ हो गई है, अनूप गुप्ता बने हैं चंडीगढ़ के मेयर। तो बीजेपी के अनूप गुप्ता बने हैं चंडीगढ़ के मेयर। आपको बता दें कि बीजेपी के 14 और आपके 14 पार्षद रहे और सांसद किरण खेर ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है। मेयर चुनाव में कुल 29 वोट पड़े हैं तो सांसद किरण खेर ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर चंडीगढ़ का मेयर कौन बनेगा। इस पर से तस्वीर साफ हो गई है और रवि चंदेल हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। रवि, काफी दिलचस्प ये मुकाबला रहा और आखिरकार तस्वीर साफ हो गई और ये साफ हो गया है कि अगला मेयर चंडीगढ़ का कौन होगा, यानी कि बीजेपी के अनूप गुप्ता चुन लिए गए हैं मेयर। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके का ये मुकाबला था, जाहिर तौर पर दोनों ही राजनीतिक दलों द्वारा ये प्रयास किए जा रहे थे कि श्रोमणीय अकाली दल के जो इकलौते पार्षद हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से जो है वो अपने खेमे में जो है वो शामिल किया जा सके। लेकिन श्रोमणीय अकाली दल के जो इकलौते पार्षद हैं उन्होंने इस वोटिंग प्रक्रिया के अंदर जो है वो हिस्सा नहीं लिया और साथ ही साथ कांग्रेस द्वारा जो 6 पार्षद थे उनके द्वारा भी इस वोटिंग परिषद प्रक्रिया में जो है वो हिस्सा नहीं लेने की वजह से जिस तरीके के जो आंकड़े थे, चाहे हम 14-14 की रेशो की बात करें, जिस तरीके से बीजेपी के पास 14 पार्षद थे तो वहीं आम आदमी पार्टी के पास भी 14 पार्षद थे। लेकिन बीजेपी के सांसद किरण खेर के वोट डालने के बाद बीजेपी के उम्मीदवार की सीधे तौर पर जो है वो इसमें जीत होती हुई नजर आई। तो अब आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि अब से जो मीटिंग है, जो मीटिंग की गई थी वो मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है वो अब जो है मीटिंग से जो है वो अब वापस आ रहे हैं। देखना होगा कि मीटिंग में क्या कुछ फैसले जो हैं वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा जो है वो लिए गए। जी थोड़ी देर में मीडिया के सामने मुखातिब होंगे और इसके बाद क्या कुछ कहा जाता है